क्रिस्पी फ्लेकी निमकी अक्सर हम घर पे बनाते हैं, लेकिन अगर इनमें काफ़ी सारे लेयर्स के साथ इन्हें बनाया जाए तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे लेयर्ड वाली निमकी, जो नॉर्मल निमकी से थोड़ी सी अलग है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कप मैदा ले लिया है। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच कलौंजी, आधा छोटी चम्मच अजवाइन और यहाँ पे ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने एक चौथाई छोटी चम्मच नमक ऐड किया है यहाँ पे। मोयन के लिए ऐड करेंगे इसमें तेल या घी। तो मैंने यहाँ पे तेल लिया है, एक चौथाई कप ऐड कर दीजिए। अब सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इस स्टेप को बहुत ही केयरफुली फॉलो करेंगे तभी हमारी निमकी क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह से मसलते हुए आप तेल को अच्छी तरह से मैदा में मिला लीजिए। तो मसलते हुए मिलाएंगे तो इक्वली वो डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल क्रम्बल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये मिल चुका है। तो मोयन हमारा अच्छी तरह से सेट हुआ कि नहीं उसे चेक करने का सिंपल सा तरीका है, हाथों में इस तरह से लेके प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे कि लड्डू के फॉर्म में आ जाता है डो। और इस तरह से अगर आप तोड़ते हैं तो ईजिली टूट भी जाता है। तो तेल इक्वली मैदा में मिल चुका है, अच्छा मोयन हमारा तैयार हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक कड़ा डो हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाएंगे, तो बिल्कुल एक टेबल स्पून के लगभग पानी डालते जाइए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। इस तरह से देखिए पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ मैं। और बिल्कुल सख्त आटा लगाएंगे हम इसका। तो यहाँ पे मसलते हुए सबको इकट्ठा कर लेना है हमें। बस थोड़ा सा पानी और ऐड किया मैंने और इस तरह से हमारा डो तैयार हो गया। ये देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल हार्ड है। अब इसे रेस्ट पे रखेंगे हम। तो लगभग 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। तो 15 मिनट हो चुका है और डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। ये देखिए अब इसे हम पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें निमकी बनानी है। तो अब हम पहली लोई को हथेलियों के बीच रखते हुए गोल कर लेंगे और यहाँ पे हमने चॉपिंग बोर्ड और बेलन को अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लिया है ताकि अच्छी तरह से हम इसे बेल पाएँ। तेल लगाने से ये होगा कि आप आसानी से उसे बेल पाएंगे। तो आप जितना पतला इसे बेल सकते हैं उतना पतला इसे बेल लीजिए। यहाँ पे शेप का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये राउंड शेप में है या लंबा हो रहा है, सिर्फ आपको पतला करना है, जितना भी आप पतला कर सकते हैं। तो इस तरह से साइड से भी हम इसे पतला कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे पतला करते हुए बेल लिया है और यहाँ पे आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। ये देखिए कितना पतला बेला है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये तैयार है। तो अब इसके ऊपर हमें तेल लगाना है। तो ये स्टेप वो है जिससे हमारी लेयर्स बनेंगी। तो तेल लगा लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम मैदा छिड़केंगे इस तरह से और छिड़कने के बाद आप चम्मच के पीछे से ही इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए ताकि वो इवनली मिल जाए। पूरी तरह से इसे फैलाना नहीं है, बस मिला लेना है। और इसके बाद साइड्स को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, साइड्स को उठाते हुए हमें इसे फोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड से भी हम इसे इसी तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए अब दोनों साइड से हमें इसे बंद कर देना है, बिल्कुल स्क्वायर कर लेंगे इसे इस तरह से। अब इसे हमें फिर से बेलना है। तो अब इस बार बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, जितना आप बेल पाए उतना बेलिए इस तरह से। देखिए ये देखिए। तो यहाँ पे इसे बेलने के बाद सेम स्टेप हम फिर से करेंगे। इसके ऊपर तेल लगाएंगे, हल्का सा मैदा छिड़केंगे और उसे हम इवन कर लेंगे स्पून से, इस तरह से फैला लेंगे। और यहाँ पे मैं दो लेयर्स बना रही हूँ, लेकिन इस स्टेप को आप फॉलो करते हुए काफ़ी सारी लेयर्स बना सकते हैं इसमें। तो दोनों साइड्स को मिलाते हुए हल्का से इसे बेल रहे हैं हम ताकि बराबर हो जाए, इवन हो जाए। हल्का सा स्ट्रेच करते हुए बेलिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है यहाँ पे, बस हल्का सा ताकि बराबर हो जाइए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो जितना मोटा निमकी बनाना हो आपको उसके अकॉर्डिंग से काट लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल आधे इंच की दूरी पे इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए अब इसी तरह से
सारे नीमके को हम तैयार कर लेंगे। बाकी का जो डो बचा हुआ है इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। इसे फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है मैंने। डो का टुकड़ा डाल के चेक किया, इजीली फ्लो हो रहा है तेल में। तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। तो तेल गरम करने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। अब नीमके ऐड करेंगे इसमें, तो बहुत सारा एक साथ मत ऐड कीजिए क्योंकि इनकी लेयर्स जब खुलती हैं तो काफ़ी सारा स्पेस ले लेगी। इसके लिए 10 से 15 नीमके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। जितना बड़ा पैन है आपका उसके अकॉर्डिंग डालिए। अब एक बार हल्के हाथों से चम्मच से इसे हिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे इनकी लेयर्स जो है वो खुल रही है और ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी आपको। और इनकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। आप इसे 2 महीने के लिए रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में बनाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए जो थोड़ी सी सिकी है उन्हें मैं फ्लिप कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से इवन कलर आए। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ये सिक चुकी है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और दोनों तरफ से आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा कलर आ चुका है। तो निमकी के एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 10 से 12 मिनट का समय लगेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए इसे हमने फ्राई कर लिया है। तो अब इसे बाहर निकालेंगे किचन टावल पे और हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे आप सर्व कर सकते हैं। अभी ये उतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं लगेंगी आपको, जैसे ये ठंडी होती जाती है और भी ज़्यादा क्रिस्पी होती जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसे ठंडा करने के बाद इसे सर्व कर लिया है और ये देखिए कितनी फ्लेकी बनी है। ये इजीली आप इसे तोड़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनती है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।